उसके खिलाफ बोला हमारे भाई ने प्रभु रंजन जी ने उसके खिलाफ हम नहीं है। अरे उनको दो लेकिन मेरे कॉन्ट्रीब्यूशन किया है उसका क्या, उसका हिसाब कौन करे? क्या आप जानते हैं पुलिस के कुत्तों को 3,000 रुपए पेंशन? पुलिस का कुत्ता जब रिटायर होता है तो उसको 3,000 रुपए पेंशन है, उसको बिस्किट खाने पड़ते भाई, उसको बिस्किट खाने के लिए पेंशन है। और यहां जिसने पूरी जिंदगी खपाई उसको पेंशन है, उसको 1171 दो क्या? ये सवाल है, ये सवाल है हमारे इस सरकार से। सरकार चाहे किसी पक्ष की हो किसी पार्टी की हो वो सरकार है, उससे हमारी ये मांग है कि हमारे कम से कम 7,500 महंगाई भत्ता जो कम से कम अमाउंट है वो हमें पेंशन के तौर पर मिलनी चाहिए। और ये बात सिर्फ पेंशन की नहीं बनी, ये सिर्फ पेंशन की लड़ाई नहीं है, पेंशन तो हमारी है बनती है हक है, ये लड़ाई हमारे स्वाभिमान की है, हमारे वजूद की है, हमारे अस्तित्व की है, हमारी अस्मिता की है, हमारी पहचान की लड़ाई। 7,500 रुपए से कितने 7,500 रुपए मिलने चाहिए, लेकिन आज मैं चाहता हूं एक बुढ़ापे में एक ताकत, एक फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। क्या ताकत चाहता हूं कि अगर मेरी पुती मेरे पास दौड़ते आए बोले दादाजी मेरा आज बर्थडे है हैप्पी बर्थडे है तो मैं 500 रुपए का फ्रॉक तो खरीद सकूं, तभी तो दादा बोलेगी। मैं ये ताकत चाहता हूं कोई मेरा दोस्त 20 साल पहले कहीं काम किया था खान खदान में मिल गया तो उसको मैं बोलूं कि चल यार आज अपना खाना खाते हैं बाहर होटल जाके दो दो ड्रिंक पालेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं उसके लिए, लेकिन मेरी ये ताकत होनी चाहिए कि मेरा कोई दोस्त अगर मुझे मिले तो मुझे एक वक्त मैं उसको मेहमान नवाजी का दे पाऊं। ये मेरी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट होनी चाहिए, मेरी ये ताकत होनी चाहिए कि मेरे सामने अगर मेरी बहू किसी दिन थाली पटकती है तो मैं उसको बोलूं ये हमारी संस्कृति नहीं बहू, तुम रहो तुम्हारे घर में मैंने बनाया होगा ले लो, मैं और मेरी बुढ़ी हम बाहर जाएंगे 2,000 रुपए का टीन शेड में भाड़े पर रहेंगे और 4,000 रुपए का टिफिन लगाएंगे, तुम्हें तुम रहो यहां पे खुश रहो, लेकिन अपमानित जिंदगी मुझे पसंद नहीं। ये एम्पावरमेंट हम चाहते हैं, ये सबलता हम चाहते हैं और इसके लिए लड़ाई, ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है। मुझे इस समाज ने बूढ़ा होने तक यूज किया और उसके बाद कचरा समझ के मुझे ट्रीट कर रहे हो फेंक रहे हो, इसके खिलाफ मेरा ये आंदोलन हर किसी के अधिकार को सम्मान का आंदोलन, इसलिए आंदोलन। आप देखो परिवार के लिए जिसने पूरी जिंदगी गंवाई, आज जब 50,000 रुपए घर में लाते थे तो पहली रोटी गरम गरम रोटी गरम गरम घी बाबा पहले खाएंगे, और आज 1,000 रुपए पेंशन पाने के बाद उस घर में आपका नंबर लगता है पहले नहीं लगता, कोई पूछता भी नहीं बाबा ने खाया कि नहीं, खा लो बोलते खा लो जल्दी। ये बात सही है, मतलब जो हमारी परिस्थिति घर के उस झाड़ू पोछी देती है कि पूरा रगड़ लेने के बाद आदमी निचोड़ के सुखाने के लिए डालती है, ये गंभीर परिस्थिति है। जिस देश में मातृदेव को पितृदेव को गुरुदेव को की संस्कृति है उस देश में आज अगर मां बाप को यह ट्रीटमेंट मिल रही है तो इसका निषेध होना चाहिए, ये आवाज उसकी है। और आज जो भी हो पॉलिटिकल पार्टी हो सामाजिक संगठन हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो जो बूढ़े लोगों को नहीं गिनते, जैन साहब ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, जो बूढ़े लोगों को नहीं गिनते वो लात लगने पर पैर भी नहीं छूते, यूं
नहीं करते, सॉरी भी नहीं बोलते, जो आपको इग्नोर करते हैं, काउंट नहीं करते, जो आपको लांग के जाते हैं, उन लोगों के लिए, इस देश के लोगों के लिए हिदायत है कि ये समाज, इसको आप नकार के कुछ नहीं कर सकते। समाज जागरूक हुआ है पूरे देश का, तो हमारे आज से लेकर मरने तक जो बची हुई जिंदगी, उसको हम स्वाभिमान से जीना चाहते हैं और हम स्वाभिमान से मरना चाहते हैं। अपने मरण की लकड़िया, चीता की लकड़िया हम खुद खरीदना चाहते हैं, अपने कफन का कफन हम खुद खरीदना चाहते हैं। बच्चों का भरोसा नहीं, टायर में जलाते हैं, केरोसिन डाल के जलाते हैं। हम चंदन की नहीं, कम से कम आम बबूल की लकड़ी तो खरीदे, खरीद के रखेंगे। ये लड़ाई इसके, ये इस तरह की लड़ाई, और इसलिए आज चित्तौड़गढ़ में आकर जो आपका आशीर्वाद मिला, आप लोगों से बात करने का मौका मिला, और आपसे आपके आपको देख के यहाँ का यहाँ आकर, यकीन मानिए हम यहाँ से एनर्जी लेके जा रहे हैं, आपसे हम ऊर्जा लेके जा रहे हैं। रही बात सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की, आपको किसी को डाउट होंगे इसलिए मैं बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय दिया, जजमेंट दिया, और जजमेंट था, जजमेंट है, न्याय नहीं है। जजमेंट है, न्याय नहीं है। किसी ने बहुत अच्छा कहा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मतलब ऐसा जजमेंट है कि ऑपरेशन इज सक्सेसफुल बट पेशेंट इज डेड। ऑपरेशन इज सक्सेसफुल बट पेशेंट इज डेड। तो उसमें देखिए, जब पहले तो सीबीटी की मीटिंग होगी, फिर उसके बाद ईपीएफओ नहीं, क्या बहाने बनाता है मालूम नहीं। योगेंद्र जी ने अच्छा समझाया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद वो बोलेंगे ये फॉर्मेट भरो भरो। अभी दुकानदारी शुरू हो गई, 100 रुपए में फॉर्म, 100 रुपए में फॉर्म। तो उस पर मत जाइए, संगठन बताएगा आपको, फॉर्म भी देगा तो भर के दे देना। जिसको करना है, जिसको जहां लाभ मिलता है मिले। हमारे संगठन का, एनएसी का, हम सबका ये उद्देश्य है कि चाहे आप कोर्ट में गए हो, चाहे कोर्ट में ना गए हो, चाहे आप हायर पेंशन के ब्रैकेट में आते हो, चाहे आप 7.5 के मिनिमम पेंशन में आते हो, आप कहीं भी आते हो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको एक फॉर्म में चॉइस देनी चाहिए। चॉइस नंबर 1 हायर पेंशन, चॉइस नंबर 2 मिनिमम पेंशन, टिक मार्क करके देना। ये हमारी मांग होगी, हम उनको ये मानेंगे कि ये घुमाओ मत कि वकील, एडवोकेट, जज या हमारे साथ नहीं चलेगा। हम एक फॉर्म में दो सिंपल चीजें बोलो, ये हायर पेंशन, बी मिनिमम पेंशन, जिसको जो चाहिए। उसको मिलना चाहिए, बराबर। क्योंकि आपको हायर पेंशन के लिए, अब ये मैं बता दूं ये क्या चाल चलेगा, बोलेंगे आपको पहले से कॉन्ट्रैक्ट के साथ पूरा इतने साल का पहले के पगार में इतना पैसा भरना पड़ेगा, उसको इंटरेस्ट लगा के कंपाउंड इंटरेस्ट कितना भरना पड़ेगा, बोले 18 लाख। और फिर बोलेंगे आपको एरियर्स मिलेगा, कितना मिलेगा, जो भी 16 लाख 17 लाख। तो उसका गणित वहां नहीं करेंगे पेपर एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूँ, मेरी शंका है बता। ये बोलेंगे 18 लाख रुपए तुम भरो, फिर वो पैसा एरियर्स कब देंगे उनकी मर्जी। अब हमारी उम्र क्या है, हम पैसा कहां से जोड़ेंगे, फिर उसके बाद हम जिएंगे कितने साल। चलो पेंशन बढ़ के मेरी 1000-15000 रुपए, वो कितने दिन खाऊंगा भाई, बात कही भी झूठ।
और मेरी स्थिति जैसे अगर मैं 70 साल का हूं, दूसरा मेरा दोस्त 70 साल का है, जरूरी नहीं कि दोनों की तबीयत एक जैसी होगी। एक बीमार होगा, एक अच्छा होगा, वो 10 साल जिएगा, दूसरा 2 साल जिएगा, तो इसका हिसाब कौन करेगा? तो ये हर इंडिविजुअल पे छोड़ना चाहिए कि ऑप्शन ए चाहते हो या ऑप्शन बी चाहते हो, जो जो चाहता है उसको दे दो, उसके हिसाब से वो पैसा बनेगा। 7,500 महंगाई भत्ता है तो कुछ भरने की जरूरत नहीं। तो यही चीज हम संगठन करके आगे रखेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे बात निकली तो मैं भी उससे बोलता हूं, हम देखिए संगठन बनता है तो बहुत लोग जुड़ते हैं, बहुत लोग जुड़ते हैं, नए लोग भी जिम्मेदारियां उठाते हैं। जरूरी नहीं कि ये कोई बादशाह तो ही नहीं कि भाई आज मैं बादशाह बन गया फिर मेरा बेटा ही बनेगा, ऐसा कुछ होता है क्या? वो पार्टी वार्टी में होता होगा, यहाँ नहीं होता। बूढ़े लोगों का सेवा का संगठन है। अब यहाँ पे अगर कोई बोलेगा मेरी हुकूमत चलती, हुकूमत हुकूमत कुछ नहीं चलती, सेवा चलती है। ये सेवा का युग है, या हुकूमत नहीं चलती या सेवा चलती। जो सेवा का, सेवा का फील्ड ऐसा है जो ओपन, आप कहीं भी जाओ, किसी मंदिर में बोलो मुझे सेवा चाहिए, कोई नहीं नहीं बोलेगा, लो सेवा। तो सेवा के संगठन में पदों का महत्व सिर्फ व्यवस्था के लिए होता है, पद के लिए झगड़े नहीं होते। और कोई अगर इसका ऐसी चीजें तो करता रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, सभी अपने भाई एनएससी से जुड़े हो ना जुड़े हो, सभी के लिए काम कर रहे। अभी ये काम जब होगा तो ये ऐसा नहीं होगा, अच्छा राउत साहब को 120 रुपए चक्कावत जी को दिया है तो इसका काम होगा, और जिसने नहीं दिया है उसका नहीं होगा, ऐसा है क्या? सबका होगा। तो मैं आपसे कहता हूं, मैं सभी से कहता हूं कि अपने दो टाइप के सदस्य को है, वैसे तो कोई स्ट्रिक्ट रूल है नहीं हमारा, लेकिन दो टाइप के, जिसको पैसा नहीं देना है वो एसोसिएट मेंबर बन जाओ, जीरो फीस, जीरो फीस एसोसिएट मेंबर। अब जिसको लगता है यार मंदिर में खाना तो खाया, 10 रुपए की नोट डाल देता हूं, 120 रुपए दे दे, और वो देने में तकलीफ है तो फिर सोचना यस कमांडर साहब तो इतना वीडियो शेड्यूल देखता हूं मैं, पहचानता भी हूं, मिला भी उनसे या सकता हूं जिसे, तो समझ लो उनको महीने में चाय पिला दी मैंने 10 रुपए भी मिल गया रास्ते पे, सर चलो चाय पिलाता हूं, तो फुल चाय तो 15 रुपए की, मैंने हाफ पिला दी 10 रुपए की, हो गया। अगर इतनी देखिए, ये संगठन किसी के पैसे से, मेहरबानी से, किसी को मेरे भी किसी के उपकार से संगठन नहीं चलते। जो धार्मिक लोग हैं अभी जिनकी सोचता है, देखो जैनों की, हमारे साईं बाबा का मंदिर देखो, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो बहुत अलग तरीके से चलते हैं। साईं बाबा के मंदिर में आओ, श्रद्धा है तो आओ, नहीं है तो मत आओ, बाजू में ऐसे भी चले गए तो नो प्रॉब्लम। अगर आ गए तो आप वहां पे पैसा डालो या ना डालो कोई पूछता नहीं, कुछ भी करो, दर्शन करो ना करो, लेकिन भैया खाना जरूर खा के जाना। ऐसे चलता है ये, कई लोगों के दान पे चलता है, कई लोगों के पुण्य पे चलता है, कई लोगों के समय पे चलता है, कई लोगों के श्रम पे चलता है, इसमें किसी को कोई ये नहीं। जो एसोसिएट मेंबर, अगर आप किसी संगठन से जुड़े हो, समझ लीजिए कि आप किसी, आपकी एसोसिएशन है कुछ है, तो आप रहने दो, आपका एसोसिएशन करो, वहां जो काम कर रहे करो, पेंशन के मुद्दे में शक्तावत जी से मिल लो, उनके साथ एसोसिएट मेंबरशिप ले लो और यहां भी काम करो। आपका कोई कन्वर्शन परिवर्तन वगैरह का चीज नहीं है, जो आप कर रहे करो, जहां अच्छा काम लगता है यहां शामिल हो जाओ, तो ऐसी बात है। इसलिए जो कुछ गैर, बहुत सारे गैर समझ है, बहुत सारे मतांतर है कि ये पैसे खाते हैं, ये करते हैं करोड़ों, अरे कोई नहीं, ऐसा होता, ऐसी वृत्ति होती तो यहां नहीं होती।
वैसे छोड़ो, ऐसी अगर सोच भी होती तो आज यहाँ नहीं होती।